हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन कुकिंग एंड स्मार्ट टिप्स। जीरा हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और इसको इनटेक हम अलग अलग तरीके से करते हैं। तड़के में यूज करते हैं, सब्जी अगर बनाते हैं हम तो चाट में यूज करते हैं, नमकीन में यूज करते हैं, रायते में यूज करते हैं और वेट लॉस के लिए भी जीरा बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। और अब गर्मी का सीजन आ ही गया है तो गर्मियों में हम बनाते हैं तरह तरह के रायते, मट्ठा। तो जब हम सब्जियां बनाते हैं तो जीरे को तड़का लेते हैं तेल में, लेकिन जो रायता होता है, बहुत तरह की चाट होती है और कुछ सब्जियां भी होती हैं जिसमें हम जीरे का पाउडर डालते हैं। वैसे तो बाजार से भी जीरे का पाउडर मिल जाता है, लेकिन हम घर पर बहुत आसानी से जीरे का पाउडर बना सकते हैं। जीरे को भून के उसका पाउडर बना के रख लेना चाहिए ताकि हमें बार बार जो है जीरे को भूनने की जरूरत ना पड़े। जब हमें जरूरत हो, डब्बी खोली और जीरे का पाउडर निकाला और यूज कर लिया। तो जीरे का पाउडर बनाना बहुत आसान है। उसके लिए सबसे पहले हमें जीरे को भूनना होगा। तो जीरे को भूनने के लिए हमें चाहिए जीरा, और जीरे की कोई फिक्स क्वांटिटी मैं यहाँ नहीं ले रही हूँ। आप कितने भी अमाउंट में जीरा भून के रख सकते हैं। मैं यहाँ एक कप के करीब जीरा ले रही हूँ। मैंने यहाँ कटोरी से मेजर किया है जीरा। अब सबसे पहले हम पैन को हाई फ्लेम पे गर्म कर लेंगे और फिर उसको जो है लो फ्लेम पे कर देंगे, और उसके बाद हम डालेंगे जीरा। और डालने के बाद हमें जीरे को चलाते रहना है। जीरे को हमें लो मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है। हाई फ्लेम पे जीरे को भूनेंगे तो जीरा जो है जल जाएगा। तो फ्लेम को कभी लो करेंगे, कभी मीडियम करेंगे, ऐसे हमें जीरे को भूनना है। जीरे को चलाते हुए हमें जीरे को भूनना है, क्योंकि अगर हम जीरे को छोड़ देंगे तो जीरा जो है एकदम से जो ये नीचे लग जाएगा और जल जाएगा। तली पर लगने से ये जल सकता है। जीरा सब तरफ से इवनली भुने, बराबर भुने, इसलिए भी हमें जीरे को चलाते रहना जरूरी है। तो देखिए, लो मीडियम फ्लेम पर मैं इसको चला रही हूँ, भून रही हूँ जीरे को। धीरे धीरे ये क्रैकल करेगा, चटकेगा जीरा। इसका मतलब जो ये पहचान होती है कि जीरा हमारा भुनने लगा है। अब जो जीरे का कलर है ये भी धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। जीरा जब भुनता है तो थोड़ा सा फूलता भी है, ये भी एक पहचान होती है कि जीरा भुन रहा है। अब देखिए, मैं जो है बीच बीच में जो पैन को गैस से हटा भी लेती हूँ अगर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें हीट आ गई है जीरे में। कुछ सेकंड्स के लिए मैं पैन को गैस से ऊपर कर देती हूँ और फिर उसके बाद वापस रख के मैं भूनने लग रही हूँ। इसी तरीके से मैं जीरा जो है भूनती जा रही हूँ। तो धीरे धीरे इसका कलर जो है चेंज होता जा रहा है। जैसे जैसे जीरा भुन रहा है, इसके अंदर से एक बहुत ही अच्छी एक खुशबू आ रही है। कलर भी देखिए, यहाँ इसका चेंज होता जा रहा है। जीरा जो है चटक रहा है और भुन भी रहा है, खुशबू इसकी आने लगी है, कलर इसका देखिए चेंज होने लगा है। जीरा भुनते भुनते जब तक ब्लैक ना हो जाए उस स्टेज तक हमें जीरे को भूनना है। तो ये देखिए, इतने जीरे को 6 से 7 मिनट हमें लो मीडियम फ्लेम भूनते हुए हो गए हैं और कलर इसका चेंज हो गया है। इतना टाइम जीरे को लगभग लगता है भुनने में। अब जीरा देखिए अच्छे से भुन गया है, इसका कलर भी देखिए ब्लैक हो गया है। पहले इसका कलर अलग था, अब ये अलग कलर का हो गया है। तो हमारा जीरा इसका मतलब अब भुन करके तैयार हो गया है पीसने के लिए। अब गैस को बंद कर देंगे, लेकिन गैस बंद करने के बाद हमें जीरे को ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, नहीं तो नीचे से क्या होगा, तली से जीरा जल जाएगा। अभी हमें कुछ सेकंड्स तक जीरे को चलाते रहना है ताकि जीरा जो है अच्छे से ठंडा हो जाए। 2-3 मिनट रखेंगे तो जीरा ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद ये क्रिस्प और कुरकुरा हो जाएगा, पीसने में बहुत आसानी होगी। ये क्रिस्प हो जाता है, कुरकुरा हो जाता है, उसे आसानी से पीस जाता है। अब पीसने के लिए भी यहाँ 2 तरीके, या तो हम इसको उखली में पीस सकते हैं या फिर हम इसको मिक्सी के जार में पीस सकते हैं। इसमें हम जीरे को पीस सकते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा सा जीरा ले रही हूँ, तो थोड़ा सा जीरा मैं इसमें डाल रही हूँ सबसे पहले, और इसको मैंने अब कूटना शुरू किया है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, जब हम इस तरीके से क्रश करते हैं इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर हम इसमें कूट के हम जीरे का पाउडर बनाते हैं, इसमें जीरा जो होता है क्रश यानी कूटा जाता है, उसके एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। अगर हम इस तरीके से बनाते हैं, कूटते हैं जीरे को, तो फ्लेवर आता है जीरे के पाउडर का बहुत अच्छा। एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं, जो जीरे में बहुत सारे तत्व होते हैं, वो रिलीज होते हैं। तो इसमें मैं दरदरा कूट रही हूँ जीरे को, बहुत ज्यादा ये बारीक पाउडर नहीं मैं बना रही हूँ। थोड़ा सा दरदरा कूटा हुआ जीरा बहुत अच्छा लगता है, कहीं पे खड़ा जीरा, कहीं पे बारीक जीरा, बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में। ये देखिए, मैंने दरदरा कूट लिया है जीरे को। तो देखिए कितना अच्छा दरदरा कूटा है, इसमें क्रश हुआ है देखिए। अब जीरे को पीसेंगे हम मिक्सी के जार में। उसमें क्या होता है, जीरा क्रश नहीं होता, उसमें जीरा कटता है ब्लेड से। तो मिक्सी के जार में बहुत ज्यादा बारीक पीसता है ये, आप उसमें भी पीस सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में चाहिए तो आप पीस के छान भी सकते हैं जीरे को। लेकिन जीरा जो होता है कहीं पे दरदरा, कहीं पे बारीक, ऐसे ही अच्छा लगता है। तो बाकी का जीरा मैंने मिक्सी में डाल दिया है, और ये देखिए मैंने इसको मिक्सी में भी पीस दिया है। अगर आप जीरे को मिक्सी में दरदरा पीसना चाहते हैं तो मिक्सी को ज्यादा ना चलाएं, थोड़ा थोड़ा पल्स देके चलाएं, ताकि जो है बारीक ना पीसे जीरा और दरदरा ये पीसे।
तो देखिए हमारा मिक्सी और ओखली दोनों में जीरे का पाउडर पीस करके तैयार हो गया है। बहुत बढ़िया पाउडर बन करके तैयार हुआ है ये। इसको हम एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लेंगे। इसको हम किचन में रख सकते हैं, फ्रिज में इसको रखने की जरूरत नहीं होती है। 6 महीने तक ये पाउडर बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। तो इस तरीके से आप जीरे का पाउडर बनाइए और कभी भी यूज कीजिए। तो आपको ये वीडियो जीरे का पाउडर बनाने की कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे।